हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल एवन ज्ञान में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर आप एक वायरिंग की वीडियो बनाओ, उसमें हम हमारे को क्लियर तरीका बताओ कि हम किस तरह से घर पे कूलर की वायरिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी डिमांड पे मैंने एक वीडियो बनाया है, तो मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और मेरे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल का लेना सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को दबाना ताकि मेरे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। फ्रेंड्स, अब हम स्टेप बाय स्टेप आपको वायरिंग करके दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको कनेक्शन करने हैं और किस तरह से आप कनेक्शन करके अपने कूलर को वापस तैयार कर सकते हो। हम खुले हुए पार्ट्स में भी दिखाएंगे और साथ ही नए कूलर को ओपन करके उसकी जो वायरिंग है वो भी हमको आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, हमारे पास ये मोटर अवेलेबल है और ये एक पंप अवेलेबल है और ये स्विंग मोटर अवेलेबल है और साथ ही ये स्विच है। अगर मोटर चार तार वाली हो तो ये स्विच काम में आने वाला है। अगर दो तार वाली हो तो ये रेगुलेटर वाला काम में आने वाला है, ताकि इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। रेगुलेटर खुला हुआ इसीलिए लिया है मैंने, ताकि आप समझ सको किस जगह कौन सा वायर काम में आने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको पूरी वायरिंग करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले इन वायरों के बारे में हम बता देते हैं। ये है ग्राउंड, कॉमन है ये, और ये ब्लैक वाला हाई स्पीड के लिए है, और ये व्हाइट वाला जो यहाँ भी दे रखे हैं मोटर के, ये व्हाइट वाला है मीडियम स्पीड के लिए, और ये जो रेड वाला है ये हाई, ये लो स्पीड के लिए, सॉरी। तो ये हमने बता दिए। अब ये स्विच है, स्विच में किस तरह से आपको वायरिंग करनी है, तो स्विच पे लिखे हुए हैं कलर कोड के हिसाब से। ब्लू ब्लू वाला लिखा हुआ है, ब्लू ने ये है ब्लू वाला, और रेड, वाइट और ब्लैक। तो आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ कस लेना है, वो भी हम आपको बताने वाले कसने किस तरह से कसना है आपको। मीडियम हाई लो ये थे, हमने कनेक्ट कर लिए हैं। प्रॉब्लम यही आती है कि मोटर तो आप लेके चले जाओगे घर पे, लेकिन कनेक्शन नहीं कर पाओगे। कनेक्शन पे यहाँ आके आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि किस जगह कौन सा लगाए, ये आप कंफ्यूजिंग में रह जाओगे। सबसे ज़्यादा इसी जगह दिक्कत आने वाली है। तो आपको इस तरह लगाना है ये जो स्विच है। स्विच दूसरे प्रकार का भी हो सकता है, दूसरे वाले पे नंबर आ सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो आप कलर के हिसाब से लगा लेना, या 1 2 3 के हिसाब से लगाना, जैसे आप चाहो वैसा लगा सकते हो। और ये जो ब्लू वाला तार है ये कॉमन हो जाएगा, ये देखिए। और ये ली है मैंने मेन लीड की जगह एक वायर लिया है। तो ये जो ब्लू वाला वायर है ये मेन लीड की जगह ये काम आने वाला है। ये मेन लीड है ये, और ये एक तार मैंने इससे कनेक्ट किया, ये देखिए। इस तरह से आप जो बाहर से जो वायर जाएगा करंट वाला मेन वाला, वो इस तरह से कनेक्ट करना है इसके साथ में। और ये दूसरा वाला जो वायर है ये पंप वाला वायर है, ये देखिए। ये वाला मैंने पंप वाला वायर लिया, ये पंप है, और इसका जो एक वायर है वो इस तरह से कनेक्ट होगा, इसके साथ में मैच होगा, ये देखिए। इस तरह से आपको एक तो मेंस का हो गया, ये दो हो गए, ये वाला पंप का और ये मोटर का। और तीसरा जो वायर होगा वो अगर स्विंग मोटर लगी हुई है आपके पाइप, प्लास्टिक का कूलर होगा तो उसमें स्विंग होगी, तो स्विंग का एक तार भी यहाँ आपको मिला लेना है। फिर इस वाले वायर के तो आपको लगा लेना है टेप, अच्छी तरह से टेप चिपका लेना, ये तो हो गया आपका काम फ्री। और ये जो वायर बचे हुए हैं, इन वायरों पे भी स्विच होता है, एक स्विच जो अभी नेक्स्ट राउंड में आपको बताने वाला हूँ किस तरह का स्विच होने वाला है। इस तरह से आप आपकी कूलर की वायरिंग कर सकते हो। सो अगर नॉर्मल वाला स्विच होगा तो ये जो वायर है बाहर से जाने वाला, ये वाला, ये यहाँ जाके लगेगा, इस जगह लगेगा, एक यहाँ लग गया, और यहाँ से एक वायर होगा तो स्विच पे कनेक्ट होगा, फिर उसी से वायर पे दूसरे वाले स्विच पे कनेक्ट होगा। जो हम आपको एक नया कूलर है
वो ओपन करके दिखाने वाले हैं किस तरह से इसकी वायरिंग हो रखी है। तो चलते हैं कूलर की तरफ। तो फ्रेंड्स ये है नया कूलर, मेरे पास पुराना कूलर तो अवेलेबल नहीं था। ये खेतान एरो किंग का कूलर है और इसे हम आपको ओपन करके दिखाने वाले हैं किस तरह से आपको वायरिंग करनी है। तो बने रहिए मेरी वीडियो में अंत तक, किस तरह से आप वायरिंग कर सकते हो। और दिक्कत ये आती है वायरिंग की, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वायरिंग, ये दो स्क्रू लगे हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों ही स्क्रू निकालने होंगे। वायरिंग करना बिल्कुल आसान है और सेफ्टी के साथ आपको करना है। ये दो स्क्रू है हमने निकाल लिए हैं, यहाँ रख देते हैं स्क्रू को। और ये देखिए जो हमने बताया था वही कनेक्शन है। ये देखिए ये मेंस का है जो बाहर से जो मेन लीड करंट का है, और ये देखिए जो हमने बताया था वही कनेक्शन सेम कनेक्शन है। ये देखिए ये एक जो ब्लू वाला वायर मैंने बताया था, ये ब्लू वाला हो गया और ये शिविंग का हो गया, और ये एक बाहर से आने वाला वायर हो गया करंट वाला, और ये एक हो गया पंप का। तो चारों तार हो गए, इसे हम टेप की जगह ये केबल लग रखी है इसमें, ये हो गया फ्री। और जो बाहर से जो आने वाला करंट का वाला वायर था वो जो मैंने बताया था आपको, ये देखिए यहाँ एक स्विच पे लग गया, इसी स्विच से लाइन पे एल लिखा हुआ है लाइन, इसी स्विच से वायर लग के ये दूसरे वाले लाइन पे आ गया स्विच की पे, ये जो कम ज़्यादा मीडियम हाई लो वाला है लाइन पे, और इसी स्विच की सहायता से एक दूसरा वाला वायर आ गया जो लाइन लिखा हुआ है, और ये शिविंग का दूसरा जो शिविंग एक तार शिविंग का बचा हुआ था वो शिविंग पे लग गया, एक तार पंप का बचा हुआ था पंप पे लग गया। तो इस तरह से आपको वायरिंग करनी है फ्रेंड्स, और बिल्कुल सेफ्टी के साथ करना है। और सबसे पहले आपको सीरीज में चेक करना है, अगर आपके पास सीरीज अवेलेबल है तो सीरीज में आपको वायरिंग चेक करनी है। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी अगर आपको सही लगे तो मेरे चैनल को कर लेना प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो मैं आप तक पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।